राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की ओर से करनाल के ज्वेल्स होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जुलाई को करनाल में होने वाले कार्यक्रम के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए बताया कि 2 जून को भोड़सी से जो यात्रा शुरू की गई थी, उसका समापन समारोह करनाल के सेक्टर 12 में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यात्रा का नेतृत्व करने वाले क्षत्रिय समाज के सेवक शेर सिंह राणा मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि समाज का हर सरकार में शोषण होता है और उनको राजनीतिक व सामाजिक अधिकार पूर्णता नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे लाना है, ताकि समाज के बच्चे शिक्षित होकर समाज को आगे बढ़ा सके। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी व अन्य राज्यों से भी लोग उपस्थित होंगे और अपने हकों की आवाज को उठाएंगे। कार्यक्रम है 21 तारीख का कार्यक्रम है। 21 तारीख को जो हमने 2 जून से दादी सती माता मंदिर भोंडसी से एक यात्रा निकाली है, राष्ट्रवादी जनलोक परिवर्तन यात्रा, उस यात्रा का पूर्ण आहुति है, उसका समापन समारोह है जो एक महारैली है, और इस महारैली में क्षत्रिय समुदाय के साथ साथ संपूर्ण सर्व समाज के लोग उपस्थित रहेंगे और भारी संख्या में आएंगे। हमें अंदाजा है कि 5 लाख को ये भीड़ जरूर क्रॉस करेगी, जिसमें 5 से 10 हजार लोग राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और सीमावर्ती राज्यों से आएंगे। क्या उद्देश्य क्या है सरकार? उद्देश्य है, सीधी सी बात है, हम कोई बात नहीं छिपाते, हमारे इस हरियाणा राज्य में सभी जातियों को उनकी संख्या के मुताबिक राजनीतिक अधिकार और शासकीय अधिकार नहीं मिले हैं। 1-2 जाति विशेष के लोगों ने वो सारी मलाई खा ली है और आज जब छाछ बची है, उस छाछ को लोग मेरिट से देना चाहते हैं, तो हमारे ये साधारण व्यक्ति के दिमाग में इस बात समझ नहीं बैठती। जिनको हमने हटाया है, सरकारें बदली हैं, जिनकी राज्य की जनता ने, उन सरकारों ने जबरदस्त घपला किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज जेल में बैठे हैं, किस बात के लिए बैठे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर गलत लोगों को भर्ती कर दिया। चौधरी बंसीलाल जी भी थे जो कहते थे हरियाणा राज्य में यदि भर्ती होना है तो केवल जाटनी के कोक से पैदा होना होगा। इन सबको हटाने के बाद आज राज्य में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कहती है जी हम तो सबका साथ सबका विकास, मतलब वोट मेरे समाज के, हमारे समाज के, और सबका साथ सबका विकास, ये कहानी हमारे समझ नहीं बैठती। हमें तो चाहिए हमारे बच्चों को रोजगार, क्योंकि 1-2 किले जमीन ज्यादा दिन चलेगी नहीं, यदि समय रहते उनको रोजगार नहीं मिला वो क्या करेंगे। तो आगामी महीनों में विधानसभा, आगामी महीनों नहीं जी, बिल्कुल ठोक कर कह रहे हैं, अक्टूबर में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 21 तारीख को आप सब चूंकि उपस्थित रहेंगे, आपको भावपूर्ण आमंत्रण भी है। आप देखिएगा, इस हरियाणा राज्य की जनता ने यह तय कर लिया है कि भाई हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए क्षत्रियों को, ताकि मुख्य ध्वजवाहक हमारे भाई शेर सिंह जी राणा हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवती जी राणा हैं, मैं इसका मुख्य वक्ता हूं। 2 दिन बाद फूलन देवी का शहादत दिवस मना रहा है सब समाज, तो वो कह रहे टकराव हो सकता है। क्यों, किस लिए टकराव हो? टकराव का कारण किसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांगी? हम स्वागत करते हैं, मनाना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है भाई, पर दुख ये है कि शहादत दिवस में वो लोग भी आ रहे हैं जो वास्तव में उनके हत्यारे हैं, वास्तव में जो उनके हत्यारे हैं वो राजनीति करना चाहते हैं उनके शहादत दिवस पे। हक कैसे टकराव? आप बताइए, हमने कोई मना किया क्या इसका? फूलन देवी जी का शहादत दिवस शौक से मनाए, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम लोगों को भी बुलाना चाहिए, उसमें हमें क्या दिक्कत है।